गाइस हम लोग स्पॉन हो चुके हैं अपने वर्ल्ड में और काफ़ी, अरे भाई जंगल बायोम में, जंगल बायोम के पास स्पॉन हुए हैं हम लोग। काफ़ी हरा भरा माहौल है यहाँ पे तो। और ये देखो कुछ भेड़ भी है सामने। बिना भेड़ मारे तुम जिंदा रह ही नहीं सकते माइनक्राफ्ट में, ये माइनक्राफ्ट का वसूल है। तो चलो हम भी जल्दी से एक भेड़ मार लेते हैं, एक दो तीन भेड़ मार लेते हैं, क्योंकि भेड़ से बनता है बेड, सॉरी भेड़ से मिलती है वूल और वूल से बनता है बेड। और मगर क्यों, अगर तुम्हारे पास बेड है तो तुम्हें इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सर्वाइव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो भाई, कितने फटकों में ये भेड़ मरती है? अरे तीन फटकों में मर गई, वो गिरने से थोड़ा डैमेज पड़ता है ना इसलिए। तो दूसरा भेड़ भी मार देते हैं फटक से। और मैंने भेड़ मार दी तो मैंने सोचा थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेते, घर वीर बनाने में काम आएगा। तो वुड कलम कर रही है, मैंने सोचा सिर्फ एक टाइप के वुड से क्या होगा, थोड़े अलग टाइप के वुड भी कलर करते, जैसे ये व्हाइट वाले बहुत ज़्यादा ब्राइट अच्छा रहते तो वो बहुत अच्छा लगता है जब अगर उससे घर बनाए तो। हमने बहुत चमकीले रहते हैं व्हाइट वाले वुड। और मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचा तो मैंने, मुझे पास ही में एक विलेज मिल गया स्विमिंग करते करते, तो हम फटक से उसके पास जा रही है। और हम ये बस पहुंचने वाले, और वहां पे पहुंचते ही हमें लूट डकैती चालू कर दी, क्योंकि यही हमारा वसूल है। जैसे ही कोई विलेज देखो उसमें लूट डकैती चालू कर दो, क्योंकि हमारा यही तो काम है माइनक्राफ्ट में, जानवरों और लोगों की ज़िंदगी हराम करना और अपना गुजारा करना। तो हमने, और रात होने वाली थी तो मैंने अपने जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था मैंने वहाँ पर बेड वेड लगा दिए पहले से। तो चलो हम वहाँ पर चलते, क्योंकि रात को तो पता है आपको माइनक्राफ्ट में पार्टी चलती है बहुत बड़ी, इसमें हमको नहीं जाना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। और ये हम सो गए, सुबह उठ के भी काफ़ी सारा काम करना है। सुबह उठते मैंने सोचा कि थोड़ा सैंड इकट्ठा करते हैं, मतलब रेत, क्योंकि रेत से हम लोग कांच बना सकते हैं। और कांच मतलब रोशनी आएगी ना घर में, कांच लगाएंगे तो अगर अपने घर बना दे जो घर हम बनाने वाले। फिर सैंड इकट्ठे करने के बाद मैंने सोचा कोबल स्टोन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पत्थरों से पत्थर के हथियार बने तो ज़्यादा चला गया। और मैं पहले पिकैक्स तोड़ चुका हूँ कोबल स्टोन इकट्ठा करते करते। तो गाइस अभी हमने सारे मेन काम कर लिए जो मतलब हमें माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग में करना चाहिए, जैसे कि हमने सब कर लिए, रेड इकट्ठा कर लिए, काज बनाने के लिए, कोबल स्टोन हथियार बनाने के लिए। और ये देखो ये सब मुझे जो हमने विलेज लूटा था उससे मिला है। और तो ये थोड़ा आयरन वायरन तो मेरे को माइनिंग करने से मिला जो मैं कोबल स्टोन माइन कर रहा था। और सैडल मिला जैसे हम घोड़े पकड़ के उनको भगा सकते हैं, हम उनके ऊपर बैठ के भाग सकते हैं। तो हमारे हमें कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो बस अभी बाकी एक मैं भूल गया, एक काज भी मिले हमें, मतलब जो रेट हमने इकट्ठे की थी उसके मैंने काज भी बना लिया बहुत सारे। और बस अभी घर बनाना बाकी है, लेकिन मैं सोच क्या रहा हूँ ना, और एक तो बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग अभी एक अभी तो मतलब एक छोटा सा घर बनाएंगे अभी के लिए, और बाद में जब आप हमारे पास अच्छे रिसोर्स हो जाएंगे तो एक बड़ा घर बनेंगे, आलिशान बंगला बनाएंगे। और मैंने सोचा मैं वो घर बनाऊँगा इधर ये ऊपर के साइड में, जब मैंने बहुत सारा डर भी यहाँ पर हटा दिए। देखो मेरे पास 64 एक स्टैक हो चुका है डर का। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हम आलिशान घर बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग अपने बस एक छोटा सा टेम्प्ररी घर बनाएंगे और इधर ही नीचे बनाएंगे वो। और फिर जैसे हमारे पास अच्छा सामान इकट्ठा हो जाएगा हम लोग बड़ा घर बनाना चालू करेंगे। और ये देखो तो मैं एक स्टैक ले लेता हूँ वुड का। और ये देखो चमकीले कितने लग रही है वुड वाइट वाली, तो हमने स्टैक ले लिया। और अपना छोटा सा बड़ा नहीं छोटे ही बनाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए तो उतने ठीक है। और बाकी के रिसोर्स आती बड़ा घर। तो फटक से मैं ये कर लेता, काम कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से इतना बस है। और मेरे छठ की जरूरत है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए छठ डर से बना लेता हूँ, वैसे ही अभी कौन उखाड़ लेगा मेरा कुछ ऊपर से आके। तो अभी के लिए हम लोग इससे बना लेते। तो अपनी मिट्टी की छत तैयार है, देखते हैं भाई कौन हमारी छत को तोड़ सकता है। और जल्दी से हम लोग काम करते, सामान अंदर शिफ्ट कर देते हैं हमारे बाहर का, पहले बेड एक लगा देते हैं। तो मैं बेड सोच रहा हूँ
बेड हम लोग ही काम करते हैं, कॉर्नर में लगा लेते हैं, लगा दिया और बाकी का सामान भी लाते हैं अभी पड़ेगा। अरे ये तो अंडे है भाई, मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे कभी मत खाओ अंडे, क्योंकि उसमें मांस रहता है। और वो गलती से मैंने अंडे फोड़ दिए और उसमें से बच्चे भी निकल गए, मतलब भाई दोनों अंडे से बच्चे निकल गए, ऐसा तो लाखों में एक बार होता होगा, फोड़ते ही अंडे निकल गए दोनों में। जाने दो भाई, इनकी भी जिंदगी जीने दो इनको, हम अपना काम करते हैं। ये देखो मेरे पास इतना सारा सामान, दूसरा वाला चेस्ट भी ले लेते, ले लेते दूसरा वाला चेस्ट भी, अंदर लगा देंगे कहीं कोने में। अरे सारा सामान नहीं आ रहा, हमको चेस्ट अंदर डालना पड़ेगा, पहले रखना पड़ेगा। तो पहले चेस्ट तो ले लो भाई मेरे, इसमें इन्वेंट्री के जा जैसे लगा पाऊ। तो इधर हाँ, इस साइड में हम चेस्ट लगा देते हैं, एक और एक लगाया, अभी दूसरा लगा देते उसके साइड में। हाँ अभी सारा सामान शिफ्ट कर दे फटक से, अभी जल्दी से बाकी का सामान जो बाहर पड़ा है वो भी शिफ्ट कर लेते हैं फटक से अंदर, जिससे अपना आज का काम तो पूरा हो जाएगा। और फर्नेस, अरे भाई इससे पिकअप से चलो, काम करते हैं कि पहले फर्नेस को हम लोग लगा देते बेड के सामने, ठीक सामने इधर। क्राफ्टिंग टेबल को तो कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है इधर। हाँ ये लग जा। और मैं क्या सोच रहा हूँ, ये ऊपर के थोड़े दो चार ब्लॉक तोड़ के वहाँ पे कांच लगा देते हैं, जिससे हमारे घर में रोशनी बनी रहेगी सुबह को, रात के लिए देख लेंगे। तो वहाँ पे कांच लगा देते हैं चार, तो देखो भाई पूरे घर में रोशनी फैलेगी, और क्या चाहिए एक इंसान को, बस सब हो गया। हाँ बहुत अभी अच्छे लग रहे अभी के लिए तो इतना बस, सारा सामान में अपना शिफ्ट हो गया है। अरे स्क्रीन रिकॉर्डर वाला बटन में गलती से ग्लास भी इसमें रख देते। तो ना आज का सारा काम तो हो चुका है भाई, मुझे नहीं लगता है अभी के लिए कुछ और करने की जरूरत है। तो देखो भाई घर तो एकदम चकाचक लग रहा है, बस दरवाजा लगाना बाकी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर भी ऐसा सपोर्ट कर लो, किया जाता ही है, तुम्हारे वजह से एक आदमी का घर चलेगा, मतलब घर चलेगा मेरा, ये वाला भी और असली वाला भी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।